यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। बिहार के पटना से बड़ी खबर आ रही है, एक व्यक्ति को शराब के झूठे केस में जेल भेजने की कोशिश। आपको बता दें ये खबर चिरियाटार और पोस्टर पार्क मुख्य मार्ग की ये खबर हम आपको बता रहे हैं। आगजनी कर यातायात को पूरी तरह से ठप किया गया, तो बिहार में आगजनी की कोशिश की गई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से आगजनी कर सड़क पर माहौल खराब करने की कोशिश की गई। दरअसल ये आगजनी की तस्वीरें आप देख सकते हैं, पटना एक व्यक्ति को शराब के झूठे केस में जेल भेजने की कोशिश हो रही थी और उसको लेकर ही ये लोग इकट्ठा हुए और ये आगजनी की कोशिश की गई। तो लगातार बिहार में शराब को लेकर अलग अलग तरीके के केस आते रहते हैं। दरअसल बिहार में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनने के बाद शराब को पूरी तरीके से बैन कर दिया था, लेकिन शराब की तस्करी, जहरीली शराब, कच्ची शराब और अवैध तरीके की शराब बिहार में रुक नहीं पा रही है और उस तरीके की स्थितियां कभी न कभी पैदा हो जाती हैं। इसीलिए ये भी एक तस्वीर आप उसी किस्से की कहानी में जोड़कर देख सकते हैं कि एक व्यक्ति को शराब के झूठे केस में जेल भेजने के बाद क्या कुछ होता है। ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही है। उधर पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर से सीज फायर उल्लंघन किया गया। 24 घंटे